हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेतना। चेतना कुकिंग एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ टिंडे की सब्ज़ी, जो सबको पसंद नहीं आती है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो देखिए टिंडे लिए हैं। इसके हम ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कट कर देंगे चाकू की सहायता से। जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप ऐसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे ये सब्ज़ी, और आप बार बार बनाने का मन करेंगे और सब आपको बनाने के लिए बोलेंगे, सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए मैं ऊपर से और नीचे से इसको कट कर दूंगी। अब हम चाकू या छीलन की सहायता से आप इसको छील सकते हैं। देखिए मैं आपको छीलन की सहायता से इसको छीलूंगी। ज़्यादा मोटा हमें नहीं छीलना है, हल्का हल्का छीलना है। देखिए मैंने सारे टिंडे छील के रख लिए हैं और इसको अब हम दो तीन टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है दो तीन टुकड़ों में, और एक बाउल में हम डाल देंगे इसको। और देखिए इसमें कुछ मसाले हमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसीलिए हम, अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्के से लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूंगी, और थोड़ा सा देखिए हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी इसमें डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और इसमें थोड़ा सा मैं 2 चम्मच देखिए बेसन ऐड करूंगी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमें बेसन आप डाल के एक बार ज़रूर देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार होगी। अगर जो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो भी इसको खाना पसंद करेंगे। देखिए इसमें हम ग्रेवी बनाने के लिए मैंने दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, हरी मिर्च लिए हैं 3-4, थोड़ा सा अदरक और लहसुन लिया है मैंने, और थोड़ा एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज कट करके कटोरी में रखा हुआ है। देखिए आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं प्याज तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सारी हम सब्जियों को एक साइड से रख देंगे हम। देखिए चलिए हमने एक कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें मैंने 2 चम्मच इसमें तेल लगा दिया है मैंने। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हमने जो देखिए इस मसाले मिलाकर जो टिंडे रखे हुए हैं वो हम इसमें डालेंगे। हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल में नहीं करना है, हल्का ही तेल में हमें फ्राई करना है। देखिए अच्छे से थोड़ी देर हम इसको चलाते रहेंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमें ये फ्राई नहीं करनी है बिल्कुल भी, और ना ही ज़्यादा ऑयल लगाना है हमें कढ़ाई में। 2 चम्मच ही ऑयल में हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए हम अच्छे से चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पर इसको चलाएंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं। और ये एक बार ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब हमने निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने देखिए थोड़ा सा ऑयल बचा है इसमें, और मैं देखिए थोड़ा सा और लगा दूँगी इसमें, और थोड़ी सी हींग डालूँगी, कढ़ाई पहले से गर्म है, और थोड़ा सा मैं जीरा डालूँगी इसमें। देखिए हमें हाई फ्लेम नहीं रखनी है, मीडियम पर ही हमें बनानी है सब्ज़ी। देखिए हमने जो कट करके प्याज रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ज़्यादा हमें एकदम से गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, हल्की ही करनी है, और इसको चलाते रहिए लगातार। और देखिए हमारी प्याज पक चुकी है। अब इसमें हमने जो अदरक और थोड़ा सा लहसुन 2-3 कली रखी हुई थी कूट कर, वो हम इसमें डाल देंगे। और देखिए ये भी हमारी भुन गई है। अब इसमें हमने जो टमाटर कट करके रखे हुए हैं 2, वो इसमें डाल देंगे हम। देखिए मैंने सारे टमाटर इकट्ठे नहीं डाले, थोड़े से बाद में डालूंगी। देखिए और इनको आप जितने खट्टे बनाना चाहते हो उतने टमाटर इसमें डाल सकते हैं। मैंने केवल 1/2 केजी में 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। देखिए थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करने के लिए मैंने नमक डाल दिया है, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए आप, और इसको लगातार चलाते रहिए। ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, और हम इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े से। अब इसमें हम अपने जो मसाले इसमें ऐड करेंगे वो डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे हम, 1/2 चम्मच देखिए लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। देखिए मैंने जो कट करके हरी मिर्ची रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूंगी इसमें। देखिए हाथ से थोड़ा सा मसल के इसमें कसूरी मेथी डाल दी है मैंने, और देखिए थोड़ी सी 1/2 चम्मच में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारी सब्जी में। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, और मसालों को भूनेंगे जब तक कि हमारे ये टमाटर एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और एकदम से पक नहीं जाते अच्छे से। देखिए मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में इसको, और हमें ज़्यादा एकदम से छोड़ना नहीं है
इसको ग्रेवी को, नहीं तो ये हमारी एकदम जल जाएगी। और हमें गैस को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। देखिए हमारे टमाटर एकदम सॉफ्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे देखिए सॉफ्ट हो रहे हैं वैसे वैसे ये कढ़ाई को छोड़ने लगेंगे देखिए। और अच्छे से इन मसालों को भी हमें भूनना है, तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बन के तैयार होगी। अगर आप ऐसे सब्ज़ी बनाएंगे टिंडे की तो सबको बहुत पसंद आएगी। जो नहीं खाना चाहता है वो भी सब्ज़ी को खाकर बार बार मांगेगा आपसे। देखिए मसाले एकदम भुन गए हैं अच्छे से और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं देखिए। और इसमें मैंने जो टिंडे फ्राई करके रखे थे प्लेट में वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है सारे मसालों में टिंडों को, तो एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिए, जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़े से ये अभी गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने एक गिलास पानी डाला है इसमें। और गैस को हमें हाई नहीं रखनी है, लो फ्लेम पर हमें इनको बनाना है और ढक के रख देंगे। देखिए हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए मैं अब चेक करती हूँ अपनी टिंडे की सब्ज़ी बनी है या नहीं। देखिए एकदम कितनी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बढ़िया बनी है ना देखिए टिंडे की सब्ज़ी। अब इसको हम चेक कर लेते हैं देखिए एक चम्मच की सहायता से कि ये गले हैं या नहीं। देखिए अब इसको मैं एक चम्मच ले लेती हूँ, इससे हम देखिए एकदम अच्छे से गल गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमारी सब्ज़ी एकदम बनकर तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना दिखने में, एकदम कलर बहुत ही अच्छा आया है। और एक बार आप इसको ऐसे बनाकर ज़रूर देखिए तो सबको बहुत पसंद आएगी। देखिए अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। देखिए एकदम कितनी अच्छा एकदम बढ़िया बनी है ना, एकदम कलर भी कितना अच्छा आया है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिए आप ऐसे सब्जी, ये तो सबको बहुत पसंद आएगी। जो नहीं खाना चाहता है वो भी आप उंगलियां चाट चाट कर इसको खाएगा और बार बार मांगेगा। देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी एकदम बढ़िया बनी है ना सब्जी। एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, एक बार अगर ऐसे सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर टिंडे की सब्जी तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में, एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। और अगली वीडियो में मिलूँगी मैं नई रेसिपी के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और आप अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।